हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सब लोगों का सुनील गेमर की एक और न्यू वीडियो के अंदर। एंड गाइस, अगर आप पबजी के बहुत बड़े फैन हैं, पबजी मोबाइल कंटिन्यू खेलते हैं, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप सब लोगों को पबजी मोबाइल के टॉप 5 न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। टॉप 5 न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। उनको दोस्तों अगर आप अपने गेम में यूज करते हैं तो दोस्तों आप भी एक प्रो प्लेयर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपेरिजन करेंगे नूब वर्सेस प्रो का, नूब्स क्या करते हैं पबजी मोबाइल में। एंड अगर आप वो भी गलतियां करते हैं तो आप भी एक नूब कहलाओ। अब देखो, गलतियां हर किसी से होती है, कोई भी सीख के नहीं आता, लेकिन मैं आपको एक कंपैरिजन करके बताऊंगा कि अगर आप वो गलतियां नहीं करेंगे तो आप भी एक प्रो प्लेयर बन जाएंगे। जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, अगर उनको आप अपने रियल गेम में यूज करोगे तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, 1v4 की सिचुएशन भी संभाल लोगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पबजी मोबाइल की जो पहली ट्रिक्स है वो है ये है दोस्तों कि यहां पर आप देख सकते हैं मैं घर के अंदर हूं, जो कि पोचिंग के अंदर एक घर है, और यहां पर आप देख सकते हैं मेरे ऊपर जो है मतलब कि दो बंदर रश कर दिया। नीचे जो फुटस्टेप आ रहे हैं, दो बंदर रश कर दिया। तो जब भी आप कोई रश करता है तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अपने घर में दो से तीन स्मोक कर देने हैं। स्मोक करने के बाद आपको सीडीओ पे जो है दो से तीन फर्स्ट एड ड्रॉप कर देने हैं। अब ये जो है कोई नूब ट्रिक नहीं है, प्रो ट्रिक से। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही आप फर्स्ट एड वगैरह ड्रॉप कर दोगे, जैसे ही एनिमी ऊपर आएगा तो वो मतलब कि सभी का जो मोबाइल प्लेयर होते हैं उनको ऑटो पिकअप ऑन रहता है, मतलब फर्स्ट एड वगैरह वो बजाता है तो अपने आप जो है फर्स्ट एड उठा लेता है, उनको क्लिक नहीं करना पड़ता है। तो जैसे वो आएगा फर्स्ट एड वो अपने आप उठाने लगे लग जाएगा और उसका एम बिगड़ जाएगा, एंड इजिली जो है उसे सीडीओ से नॉकआउट कर दोगे। अब हमेशा जो है अपने सीडीओ पे रहो, ऐसा नहीं कि पीछे जाकर छुप जाओ, जैसे मेरा फ्रेंड था वो पीछे जाकर छुप गया। हमेशा सीडीओ पे जो है टीपी पे लेते रहो और जैसे ही बंदा आए उसी टाइम जो है एम करके रखो और उसको मार दो। अब यहाँ पे देखिए बंदा तो आया लेकिन जो है वो फर्स्ट एड उठाने में बिजी हो गया, एंड उसी टाइम जो है दो शॉटगन मारी लगी नहीं, लेकिन तीसरी शॉटगन वो इजीली मर गया। तो हमेशा जो है एक बार ध्यान रखो, अगर ये ट्रिक आप आजमाओगे तो इजीली जो है आपका आपका ही चिकन डिनर होगा, एंड इजीली किसी भी एनिमी को कंफ्यूज कर सकते हैं, मतलब कि पूरा कपड़ा उसका एम ही बिगड़ जाएगा एंड इजीली जो है उसको मार सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को जो है इजीली चिकन डिनर मिल गया। ये तो थी पबजी की जो पहली ट्रिप, अब है ये पबजी की दूसरी ट्रिप। अब पबजी की जो दूसरी ट्रिक है वो ये है दोस्तों कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पे फ्रेंड लेटा हुआ है और मैं भी इसके सामने आकर लेट गया। तो आप लोगों को पता होगा कि मतलब अगर हम घास के अंदर लेटेंगे तो लास्ट का सर्कल अगर बनता है तो हम अगर घास वगैरह के पास में लेट जाएंगे, पास पास में लेटे रहेंगे तो नहीं दिखते। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि दूर से जो है घास कभी भी एंटर नहीं होती। देखिए मैं यहाँ पे आके लेट गया और मेरा फ्रेंड सामने है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका जो है आगे की तरफ मतलब ऊपर दो लिखे हैं, इसीलिए मेरे को पता चल रहा है कि मेरे मेरा टीम मेट है। अगर ये एनिमी होता तो मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि यहाँ पे लेटा हुआ है। लेकिन कुछ बंदे क्या करते हैं, लास्ट में सर्कल नहीं, वो मतलब कि पूरा बहुत बड़ा सर्कल होता है और वहां पे जाके लेट जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लेफ्ट हैंड साइड में देख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ से तो घास दिख रही है लेकिन दूर की घास दिख ही नहीं रही है, सिर्फ जमीन दिख रही है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखो यार कि मतलब कभी भी अगर बड़ा सर्कल है तो कभी भी खुले में मत लेटो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो जो एनिमी है वो खुले में लेटे हुए हैं। अब वो तो सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास तो घास है, मैं तो घास में लेटा हुआ हूँ, लेकिन दूर की घास कभी भी रेंटर नहीं होती। तो दूर कभी भी मत लेटो, मतलब कि लेटना है तो बहुत छोटा सर्कल हो तब लेटो, अगर मतलब कि बड़ा सर्कल हो तो घर के अंदर जाके लेट जाओ, लेकिन खुले के अंदर कभी भी मत लेटो। अगर तुम लोग खुले के अंदर लेटोगे तो इजीली जो है तुम्हारा किल हो ही जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दो एनिमी लेटे थे उसको मैंने इजीली जो है नॉकआउट कर दिया और एक का किल भी हो गया। तो हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखो कि दूर की घास रेंडर नहीं होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा मीटर हो जाते हैं, दूर की घास कभी भी रेंडर नहीं होती, पास की घास जो है मतलब कि रेंडर हो जाती है। तो हमेशा जो है दूर की घास कभी रेंडर नहीं होती, इसीलिए जो है बहुत बड़ा सर्कल हो तो मत लेटो, कोई घर वगैरह या फिर कोई कवर में जाकर जो है छुप जाया करो। तो ये तो थी दूसरी टिप। अब मैं आपको बताता हूँ पबजी की तीसरी टिप। अब तीसरी टिप में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पे एक एनिमी रस कर रहा है और मेरे पास ज्यादातर लूट नहीं है और मेरे फ्रेंड के पास भी ज्यादातर लूट नहीं है। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो टीपी पे ले रहा हूँ और एनिमी आया और मेरे फ्रेंड को नॉकआउट कर दिया। अब मैंने उसको मारने की कोशिश की लेकिन नॉकआउट कर दिया। अब सबसे पहले अगर आपका जो है आप पे कोई रस करता है, आपका मतलब आपका फ्रेंड नॉकआउट हो जाता है तो एक सीडीओ पे मॉली कर दो, अगर पूरी टीम भी आएगी ना तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फ्रेंड तो मर गया क्योंकि वो बार बार नॉकआउट हो चुका था इसलिए मर गया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मॉली किया और जैसे ही वो अंदर ऊपर आने लगा उसको मॉली लग गया एंड उसकी भी एचपी कम हो गई, इसलिए जो एक सेकंड के अंदर जल के ही खत्म हो गया। तो हमेशा एक बार ध्यान रखो यार कि जब भी मतलब कि आप अगर आप पे कोई टीम रस कर रही है और आपका फ्रेंड नॉकआउट हो जाता है तो सीडीओ पे सिर्फ एक मॉली डाल दो, इतना आपको टाइम मिल जाएगा कि आपका फ्रेंड जो है मतलब कि रिवाइव भी हो जाएगा एंड ऊपर से फर्स्ट एड वगैरह ड्रिंक वगैरह सब कुछ लगा देगा और तब जाके मॉली बुझेगी एंड तब वो बंदे ऊपर आने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो ये थी पबजी की बहुत ही अच्छी टिप थी जो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अब ये है पबजी की अलग टिप। अब यहाँ पे आप देखते हैं मेरा फ्रेंड जो है नॉकआउट हो चुका है और ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि सामने वाले नीचे वाले बंदों ने रस कर दिया है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर आपके टीम पे किसी ने रस कर दिया है, अगर आपके पास मॉली नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है, एक सीडीओ पे जो एक मतलब कि ग्रेनेड कर देना है या फिर आपको एक स्मोक कर देना है ताकि बंदे कंफ्यूज रहेंगे। और हमेशा जो है मतलब कि कोई रूम वूम में जाके जो है रिवाइव मत किया करो, रिवाइव अगर आपको करना ही है तो मतलब कि सीडीओ के पास रह के रिवाइव करो ताकि आपको टीपी भी मिलता रहे। मतलब बंदा अगर नीचे आएगा एकदम से तो ऊपर आएगा नहीं क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो यहाँ पे खड़ी हो, आप लोग वो धीरे धीरे ऊपर देखता देखता आएगा और आपको तो पता चली जाएगा एंड इजिली आप उसे मार सकते हो। तो ये थी गाइस पबजी के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ बहुत ज्यादा अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको अगर आप अपने गेम में यूज करते हो तो छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप मरते हो और इनको यूज करके आप बिल्कुल नहीं मरोगे एंड
इजीली जो है आपको मतलब कि 50% आपके गेम में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो नीचे कमेंट कर देना, 12,000 लाइक का टारगेट है कंप्लीट।